अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारुठिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं कौन सी लोकेशन पे आया हूं। करीब करीब मेरे जो व्यूवर है, पुराने व्यूवर है, उनको सबको पता है कि मैं आज कौन सी लोकेशन पे खड़ा हूं। मेरे चैनल के ऊपर हंटेड हाउस के नाम से पहले इसका पार्ट आ चुका है बिल्कुल, और वो डला हुआ है, और मुझे लगता है बहुत जनों ने उसको देख भी लिया। और यहाँ क्यों मैं दोबारा आया हूँ उसका मैं कारण बता दूँ, और यहाँ की जो स्टोरी है वो भी मैं वापस बता देता हूँ आपको। ये जो लोकेशन है दोस्तों, इतनी खतरनाक लोकेशन है। कहते हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक एरिया है, वहाँ पे एक पुराना खंडर बना हुआ है। उस खंडर में कई सालों पहले एक फैमिली रहती थी, वो फैमिली एक ही रात में ख़त्म हो गई। कुछ जब मैंने पहले पार्ट बनाया था, कुछ मेरे बताने में या फिर मैंने जो सुना उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैं वापस बता दूँ आपको, क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे एक जो हंटेड हाउस है पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर, वहाँ एक कुआं भी बताते हैं कि कुआं है, उसी कुएं में जाके उस पूरी फैमिली ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे उनके पूरे परिवार की रूह रहती है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पिछली बार आपको दिखाया, तो कई मेरे व्यूअर हैं उन्होंने बोला कि जितेंद्र भाई एक बार बताओ, आप रूम में गए, जब रूम के अंदर ये एक्टिविटी हुई तो रूम के अंदर गए तो रूम तो इतना क्लीन था। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको, कभी भी आप वीडियो देखो तो स्किप मत करो। मैंने उस रूम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दी थी कि यहाँ पे फार्मिंग होती है इस जगह। अभी तो करीब मेरे मुझे जहाँ तक अभी पता लगा, आज मैं यहाँ पे बिल्कुल इजाज़त से आया हूँ और चाबी भी लेके आया हूँ लॉक की बिल्कुल, कि अभी तो फार्मिंग भी बिल्कुल बंद हो रही है क्योंकि एक्टिविटी बहुत खतरनाक हो रही है अभी इन दिनों के अंदर। पिछली बार भी यहाँ पे कोई फैमिली रहने लग गई थी। यहाँ पे 3 से 4 दिनों के अंदर उनके साथ में इतनी बुरी घटना हुई यहाँ पे कि उनको रातों रात भागना पड़ा, इसीलिए उस रूम के अंदर सफाई थी दोस्तों, मैं बता दूं। और अभी आज मैं इस लोकेशन पे क्यों आया हूँ उसका भी मैं कारण बता दूं। आज से सही 7 दिन पहले वापस कोई फैमिली यहाँ पे रहने लग गई फार्मिंग के चक्कर में। जो फार्मिंग करने वाले रहते हैं ना, तो उन्होंने क्या कोई ठेका लिया था, उन्होंने सोचा कि भाई हम दूर से आते हैं, तो आज वो यहीं रुक गए वापस, वो यहाँ रहने लग गए। उनके साथ में वही घटना हुई जो पिछली बार उनके साथ में हुई, और जैसे कि कोई रहेगा तो साफ सफाई तो करेगा ही करेगा दोस्तों, वापस उनको यहाँ से भागना पड़ा। तो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आई कि भाई जितेंद्र भाई एक बार वापस जाके विजिट करो उसी जगह पे, तो वापस आपका भाई आया। पिछली बार मैं अनलीगल तरीके से अंदर घुसा था, आज जीतू भैया गेट 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 जीतू भैया गेट ये क्या हुआ यार जीतू भैया? गेट बंद हुआ था क्या अपने आप? अरे आपने खोला तो था इसको, तो ये अपने आप बंद हुआ क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो? पंकज भैया मैंने नहीं देखा था, आपने देखा था ये गेट खुलते हुए? वापस बंद हुआ था ये बिल्कुल। अंदर कोई है दोस्तों, अगर आपने ये गेट मैंने बिल्कुल खोला था अगर बंद होते हुए देखा तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। और आप देख सकते हो मैं उसी लोकेशन पे वापस हूँ, बहुत खतरनाक लोकेशन है, और आज आपका भाई और पंकज भैया कैमरे पे है, दोनों वापस रिस्क ले रहे हैं इस लोकेशन पे जाने की। तो देखते हैं कि आज क्या होता है यहाँ पे, चलते हैं दोस्तों आगे। पंकज भैया गेट की आवाज़ सुनिए अपने वापस। कहाँ जा रहे हो भैया? इधर इस गेट को बंद करके रखते हैं।
दोस्तों अगर आपने गेट को देखा तो कमेंट जरूर करना। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस जगह जाने के अंदर सबसे बड़ी रिक्स है कि हॉन्टेड हाउस तो है ही है, बहुत बड़ी रिक्स है कि यहाँ पे कहते हैं कि हजारों सांप यहाँ पे रहते हैं और कई मतलब खतरा है यहाँ पे बहुत गजब। पिछली बार भी मैं गया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जानवरों के साथ साथ में पता नहीं क्या क्या खतरा है, तो देख के चलना पड़ेगा दोस्तों। लोकेशन दिखा दो एक बार पूरी कंप्लीट। हाँ भैया, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि दिन में यहाँ पे फार्मिंग होती है, तो आप देख सकते हो उसी के सबूत है ये कि मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोला था। 5 बजे बाद में यहाँ पे कोई नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे कई गतिविधियाँ होती है रात होने के बाद में। तो ये फार्मिंग के निशान है जो आप देख सकते हो, बिल्कुल फसल कटी हुई है यहाँ पे। हाँ भैया, उधर दिखा ना। जैसा कि दोस्तों अभी वो अब तो मुझे क्या, पिछली बार तो मुझे वो हंटेड हाउस का पता भी नहीं था, अभी तो डायरेक्ट मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। और जो रेजिडेंस है जो यहाँ पे जो फार्मिंग करने वाले रहते हैं, जो रहने लग गए थे, उनका भी मैं आपको हाउस दिखाऊंगा कि वो कहाँ रहते थे। आपको आवाज आई क्या अभी? अजीब सी बेचैनी से हो रही है भैया यहाँ पे कुछ। चलो आ जाओ। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, वो जो फैमिली थी अभी कुछ ही दिनों पहले वापस दूसरे आ गए थे और रहने लग गए थे, वो यहीं रहने लग गए थे। तो उनको मतलब वो जो पिछली बार मैंने रूम दिखाया था वहीं पे वो नाइट को मतलब सोते करते थे पूरी फैमिली, और वहीं से भगी थी। इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में। तो देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये पानी की टंकी है। हाँ भैया, ये वो पानी की टंकी है, इसके लिए मेरे पास में कमेंट आया भाई। तो यार सीधा सा हिसाब है, अगर कोई फैमिली रहेगी तो पानी की सुविधा तो करेगी। और भी क्यों भैया, ये डंडा गिरा या हिला था? ऊपर से नीचे गिरा है भैया। पक्का? हाँ भैया, भगवान ने बचा लिया मुझे आज। भगत भैया इधर आओ। हाँ भैया क्या हुआ? इधर एक बार इधर से दिखाओ एक बार। हाँ भैया। भैया हो भैया, देखो देखो, एक सेकंड एक सेकंड, वापस इधर से आवाज आई। हो भैया, भैया हो भैया, एक मिनट इधर देख ला। ठीक है यार, कुछ अजीब सा मुझे। हो भैया, भैया क्या हुआ? भैया आपने
पिलर को हिलते हुए देखा ना अभी? हाँ भैया। ये ना, ये गिरा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा था इस, ये पिलर है ना बिल्कुल पकस गया, ये खड़ा था 100%, ये अभी गिरा है, हो सकता है। और ये डंडा भी गिरा था मेरे ऊपर। दोस्तों जिस रूम के अंदर एक्टिविटी हुई थी वो रूम में बता दूं, मगर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी अभी कुछ हाल में ही इन दिनों में, तो वहाँ लॉक लगा दिया था। मैं आपको लॉक दिखा देता हूँ एक बार, लॉक लगा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था लॉक लगे हुए सारे कमरों के, इसलिए मैं आपको श्योर कह रहा हूँ लॉक लगा हुआ है 100%। दोस्तों ये वही रूम था जिसके अंदर एक्टिविटी हुई थी बहुत खतरनाक वाली, जो लॉक हिलते हुए गेट बंद होते हुए बिल्कुल मैंने देखा था, और शायद आपने भी देखा था, कमेंट भी आए थे। दोस्तों ये वही गेट है, क्या हो भी हो? जो कुछ नहीं यार, कोई था यार। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फार्मिंग होती है, दिन में फार्मिंग होती है यहाँ पे 100%। और आप उसके निशान देख सकते हो। पंकज भैया एक बार वो दिखाओ लोकेशन पूरी कंप्लीट कवर करो यहाँ की, तो जो हॉन्टेड हाउस है, जो दोस्तों आप देख सकते हो कि वो जो हॉन्टेड हाउस है वो भी बिल्कुल पास में ही है, या आप देख सकते हो। ध्यान से पंकज भैया। हाँ भैया। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मुझे बोला कि यहाँ पे कुआं है, मैं पिछली बार बिल्कुल कुएं को देख नहीं सका, उस कुएं के अंदर पंकज भैया आवाज आई ना? हाँ भैया। इधर आओ पंकज भैया, फिर आवाज आई। हाँ भैया, आ तो रही है। इधर आओ, इधर उधर, इधर आओ, पीछे से आ रही थी और भी आवाज। तो दोस्तों ये एक बार पूरा फोकस करो, ये वही हॉन्टेड हाउस है जो पूरा परिवार इसमें रहता था कई साल पहले, यहाँ से कहते हैं कि यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो यहीं होती है सारी, और पिछली बार पूरा दिखाया था मैं आपको, और आज भी कोशिश करूँगा कि आपका पूरा कैप्चर करके दिखाऊँ यहाँ का। और वो मेन मुझे कुआं देखना है कि उस कुएं के अंदर जो फैमिली ने अपनी जान दी थी वो कुआं मैं देखूँगा आज, और आपको भी दिखाऊँगा। पंकज भैया ध्यान से। हाँ भैया। पंकज भैया। हाँ भैया। आवाज सुन रहे हो आप? हाँ भैया, आवाज आ रही है भैया, किसी के रोने की ऐसी कुछ आवाज आ रही है। चलो भैया चलो। पंकज भैया पूरा पूरा कवर करना एक बार। हाँ भैया, मैं पूरा एक बार कवर करके आता हूँ भैया। दोस्तों यहाँ से आपको पूरा कवर दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे को उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन आपको पूरी दिखानी, मेरे को बिल्कुल दिखानी है आपको कि ये क्यों हॉन्टेड हाउस है, क्यों यहाँ पे फैमिली थी, कब गई थी, सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले उस कुएं को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वो कुआं कहाँ है? बस ये एक बार कवर करना होगा। हाँ भैया। यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस साइड। आगे चलो। बच गया? कुछ तो है भैया। कुछ तो है गड़बड़। कुछ है भैया, कुछ है जरूर। ध्यान से पंकज भैया एक सेकंड रुको। आ गया। कुछ भी? हो गया। फिर आवाज आई बिल्कुल। यार पक्का कुछ है यार भैया, कुछ तो है यार। अंदर चल के देख के आते हैं यार। चलो 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 चलो।
पंकज एक सेकंड, वापस आवाज आ रही है इधर से। आराम से जी, तू भी आराम से। दोस्तों हाँ भी हो, ये वही कुआ है शायद ये रथ। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि ये वो कुआ है, इसके कहते हैं कि इसके पास में कोई भी नहीं जाता है, जो भी गया वो बड़ी कुछ ना कुछ उसको मतलब एक्टिविटी बिल्कुल उसको दिखी है या कुछ ना कुछ महसूस जरूर हुआ है। यही वो कुआ है जिसने पूरी फैमिली ने यहाँ पे जान दी थी अंदर खुद के। अब वो मुझे पता नहीं है क्यों क्या, मैंने जो एक्टिविटी दिखानी थी मैंने पहले भी दिखाई। क्यों हो भैया, कवर करो इसको, कुएं को कवर करो। हाँ जा चलो। आप पास में मत आना बिल्कुल भी। हाँ भैया। मैं जाके देख के आ रहा हूँ पहले। गेट की आवाज आई वापस, उसी गेट की। इस तरफ आओ यहाँ पे। ओ भैया पता नहीं किस चीज की आवाज आई, कोई खतरनाक, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, जैसे बहुत भयंकर तरीके से। दोस्तों पिछली बार जब मैं आया था एक से ज्यादा रोने की आवाज मुझे बिल्कुल सुनाई दी थी यहाँ पे, और मैं भाग के आगे देख के भी आया था, मगर इस तरफ मेरे को कोई दिखा नहीं था। दोस्तों आपको सबसे पहले आगे फ्रंट से दिखाता हूँ एक बार कि ये हंटेड हाउस का जो मेन जो गेट था वो दिखाता हूँ मैं आपको। क्या बोल दिया, आराम से आराम से आराम से। तो ध्यान से आना देखो। हाँ भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या है शॉप का भी बहुत ज्यादा, शॉप का बहुत डर है भैया शॉप का। दोस्तों आप मानोगे या नहीं मानोगे, मैं आपको क्लियर बोल दूं, ये मेरे श्री बजरंगबली ये मैंने बाहर निकाले क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरी फीलिंग क्या है मेरी बॉडी की। मैं खुद समझ सकता हूं कि अभी मेरी वाइब्रेट हो रही है पूरी बॉडी, इतनी खतरनाक लोकेशन है ये। दोस्तों यही वो हाउस है जहाँ पे पूरी फैमिली रहती थी। इधर आना, आवाज आ रही है आपको वापस किसी को रोने की। आई 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 आई। दोस्तों अगर आपको आवाज आई, अगर किसी के रोने की एक से ज्यादा कोई रो रहा है यहाँ पे, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। पकड़ मैं इधर वापस दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, एक से ज्यादा रोने की बिल्कुल आवाज आई और इसी तरफ से आई थी उस दिन में, मेरे को इसी तरफ से आई थी, एक बार दिखाता मैं आपको। बहुत भयानक थी यार भैया, मैंने आपको कहा ना कुछ एक्टिविटी यहीं पे है, यहीं से किसी की एक से ज्यादा जनों की रोने की आवाज आई है। कवर करो एक बार, अंदर जाके एक बार देख के आऊंगा भैया। अंदर अंदर में जो भी है ज्यादा, इस जो भी मैं भी रोने की आवाज आ रही, इसको मत लेना चाहिए तू भैया ज्यादा। आवाज आ रही है भैया, आवाज आपको अजीब सी आवाज नहीं आ रही है आ रही है भैया। एक बार इधर आओ। हाँ भैया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा दोस्तों यहाँ पे।
वो कह रहा है दोस्तों आज तो पंकज भैया देखना एक बार जूम करो जूम करो चलो अंदर जल्दी चलो अभी यार अंदर सेफ्टी के हिसाब से ले लो भैया मगर यार पंकज भैया अभी मुझे ये समझ में नहीं है अंदर जाते हुए देखा था मगर यहाँ तो लॉक लगा हुआ है दोस्तों बिल्कुल देख लो आप लॉक लगा हुआ अभी भी गेट बंद है और चाबी मेरे पास है दोस्तों एक सेकंड में बता दूं आपको कि आज मैं चाबी लेके आया हूँ सब जगह की चाबी मेरे पास है आपने देखा था कैमरे के अंदर कैप्चर होते हुए घुसते हुए अरे मैंने खुद नहीं देखा यार मैंने अपनी आंखों से देखा था मैंने भी देखा और ये गेट है मुझे पता नहीं था खुला था मगर अंदर कोई घुसा है इधर से मुझे ये जानना है मगर लॉक लगा हुआ है यहाँ पर पंकज जी आगे मत जाओ यही रुको एक सेकंड ठीक है भैया क्योंकि ये वही रूम है जिसमें एक्टिविटी होती है पहले भी और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जान हथेली लेके आया हूँ वापस यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को स्किप करके मत देखो पूरी बात सुनो यहाँ से ज़्यादा दिन नहीं हुए दूसरी फैमिली आई थी रहने वो भी रातों रात इस कमरे में से ही भगी थी उनका सारा सामान हो सकता है अंदर ही हो चाबी मेरे पास है मैं देखूंगा बिल्कुल मगर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर एक्टिविटी हुई अगर कोई था तो अंदर कैसे गया मुझे ये समझ में नहीं है क्योंकि अभी भी लॉक लगा हुआ है लोग हिल रहे हैं वापस और अंदर से गेट हिला बिल्कुल बिल्कुल हिला भैया मेरे प्रभु तो भी आराम से करना जो भी करो मेरे प्रभु हे मेरे श्री राम शक्ति दे कि इस जगह को देख लूं लोग खोल के इतनी शक्ति दे दे भगवान मेरे को देखो आराम से ये तो भैया मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूं जहां तक मुझे लगता है मैंने कुछ देखा आपको यहाँ पे देखा बिल्कुल और आप यहाँ थे मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ एक भगवान का भक्त हूँ मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है ये जगह आपकी है और आपकी ही रहेगी बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार मेरे को इशारा करो इस गेट को हिला के दिखा दो मैं मान जाऊंगा आप यहाँ पे हो ये गेट अगर हिल गया तो मैं मान जाऊंगा आप हो और मैं आपको परेशान नहीं करूंगा यहां से चला जाऊंगा आज मुझे कुछ भी ऐसा सबूत दो कि मुझे ऐसा लगे कि आप यहां पे हो या तो इस गेट को हिला के बता दो एक बार कुछ भी नहीं हो रहा भैया पंकज भैया चले दोस्तों मेरा फर्ज था और मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी है और जो भी है यहाँ पे उसने अपना सबूत दिया है कि अंदर कोई है मगर दोस्तों बात वही है कि इंसान और इनमें क्या फर्क है और भगवान में क्या फर्क है आज मेरे पास मेरे भगवान है इनकी मैं शक्ति देखूंगा पहले मैं भी देख चुका हूँ और हर वीडियो में देखता हूँ इनकी शक्ति और मैं आपको दिखाऊंगा आज इसको खोल के दिखाऊंगा रूम को कि इसके अंदर कौन है क्योंकि मैंने देखा अंदर जाते हुए भगवान शक्ति देना भगवान आराम से तू देखो मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूं मैं एक बार अंदर आ रहा हूं प्लीज मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे आप जो भी हो यहां पे मैं एक भगवान का भक्त हूं और आपको भगवान का वास्ता है मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे मैं यहां से कुछ ही देर में चला जाऊंगा और आप मेरे पीछे बिल्कुल नहीं आओगे मैं ये चाहता हूं कि एक बार बस मैं अंदर आ जाऊं और मैं एक भगवान का भक्त हूं और श्री बजरंगबली का भक्त हूं
निकल रहा है। चाबी तो सही है क्या भैया? खुला 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 खुला। आराम से भैया, देखो आराम से। दोस्तों एक बार बता दूं मैं आपको, ये गेट इतना भयंकर टाइट है, अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसी कोई चीटिंग होती, कुछ भी होती, तो आपको गेट की जरूर दूर से ही आवाज आ जाती। और आपके सामने मैं भक्के आया हूँ, मेरे के अगर मेरे इस वीडियो के अंदर अगर कोई भी कट हो तो मुझे आप बोल सकते हो कि मैं फेंकूं। आपके सामने हुआ जो भी हुआ है, पंकज मैं दूर रहो, प्लीज आप दूर रहो। जय श्री राम। आराम से जी, तू भी आराम से। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या हुआ भैया? पंकज भैया पीछे देखो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैं गेट खोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इधर से कोई गया वापस। आराम से आना भैया। ये दोस्तों, दोस्तों अगर आपने इसको हिलते हुए देखा तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं बस। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पिछली बार इसी रूम में मुझे लोगों ने ये कहा था कमेंट करके कि दूसरा गेट था उस तरफ से वो निकल गया होगा। ये गेट नहीं है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं। पंकज भैया कवर करो एक बार, ये केवल जो फार्मिंग के सामान है वो रखने का एक कोठरी है, इधर से कोई भी रास्ता नहीं है, आप देख सकते हो। वापस आओ एक बार इधर। इस तो एक सेकंड यार, क्या हुआ भैया? यार अजीब सा मेरे पैर में जैसे लगा जैसे मेरा पैर खींच रहा है, जैसे मेरा कोई इधर। एक सेकंड, सबसे बड़ी बात है इस टंकी के लिए भी कमेंट आए थे कि इस टंकी के अंदर कोई घुस गया होगा। तो दोस्तों ये टंकी मैं खोल के दिखा दूंगा आपको, इस टंकी में कोई भी नहीं है। दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी रिक्स लेके पकड़ क्या गेट खुला, ये देखो क्या हो रहा है। आपने देखा ये बिल्कुल नीला है, ये देखो भैया ये अभी भी हिल रहा है। ये देखो दोस्तों अगर आप देख रहे हो ये अभी तक इसकी पलंग की दीवार हिल रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। चलो एक मिनट मेरे को बात करनी है। चलो। देखो मैं एक भगवान का भक्त हूँ, नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ आपको। आपकी एक्टिविटी मैंने देख ली, आपका घर है, आपका सब कुछ है, ये मैं समझ चुका हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज मुझे आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे बिल्कुल भी। चलो पंकज भैया यहाँ से निकल जाओ जल्दी। अब चले गए भैया यहाँ से। तो भैया
समझ में नहीं आ रहा यार, मैं एक बार वापस जाऊंगी अंदर। नहीं भैया नहीं, अब नहीं दोस्तों, प्लीज मेरे वीडियो को प्लीज गलत मत बोलना, मैं अपनी जान हथेली में रख के यहाँ से आगे चलते अपन पहले। एक बार मेरे को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिनसे मैंने चाबी ली वो चाबी तो पकड़ूंगा। आराम से भी, आराम से। चलो भैया चलो, चलो भैया। चलो 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 चलो। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों, 100% मैंने इतनी जगह लोकेशन विजिट करी है, 101% बता दूं ये जगह हॉन्टेड है, बिल्कुल रियल है। और जो भी यहाँ पे आ रहा है उसका भगना यहाँ से बिल्कुल वाजिब है। वो क्यों भग रहा है आधी रात को भी छोड़ के, मैंने क्लियर कराया इस बात को और आपको वीडियो में दिखाया है क्या एक्टिविटी हुई थी यहाँ पे। तो दोस्तों ज़्यादा देर में नहीं रुकूंगा, क्योंकि रिक्स हो जाएगी यहाँ पे ज़्यादा और रुकना, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आप देख सकते हो मैं एक जंगल के अंदर हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल हॉन्टेड हाउस एक जंगल के अंदर पड़ता है। तो बस दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। यहाँ से रास्ता, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से।